नमस्कार मित्रों, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु जी की। आज के वीडियो में हम बताते चलें बागेश्वर धाम सरकार के अद्भुत महिमा के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार नहीं अमीरों को देखते हैं, देख सकते हैं शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और इधर हमारे बागेश्वर धाम सरकार से गले मिलते हुए देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी, जो सुप्रसिद्ध भारत के कथावाचक हैं। इधर बागेश्वर धाम सरकार गरीब का पर्चा बनाती हुई और इसकी सब समस्याओं को हरने वाले बागेश्वर धाम सरकार, और बालाजी के मंदिर में दंडवत प्रणाम करते हुए राधा रानी को प्रणाम करते हुए देख सकते हैं साधु संतों के आश्रम में जाकर हैं। अपनी माँ के हाथ के चाय पीते हुए बागेश्वर धाम सरकार माँ से कैसे बिहेवियर करते हैं, इनसे सीखे हमारे बागेश्वर धाम सरकार से। किसी के भाई नहीं है तो हमारे बागेश्वर धाम सभी के भाई बन जाते हैं राखी बंधवाते हुए, देखिए अनजान बहन से ही। जी हाँ, अनजान माता से, गरीब से, और बागेश्वर धाम सरकार बताते हुए ऐसे उपाय करो आपकी सब समस्या हटेगी और जो बीमारी है वो भी हट जाएगी। देख सकते हैं गरीब जैसे भिखारी के रूप में भी माताएं बहनें जो धाम पे पहुंच रही हैं उनसे भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार सरल भाव से बात करते हैं। कोई घमंड नहीं है, कोई अमेरिका चूर नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। दंडवत करते हुए साधु संतों को प्रणाम करते हुए अपनी व्यास पीठ से ही देख सकते हैं छू रहे हैं, और इनके चरणों में जो भी अर्पण कर दे, जो भी छू ले, अगर वीडियो को लाइक कर दे हमारी, तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। साधु संतों का सम्मान करना, नागे बाबाओं का सम्मान करना, और बड़े बड़े विद्वानों का सम्मान करना, सत्संग करना, सुमरण करना, इनसे सीखे कोई बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर सरकार श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, जो कि अभी 26-27 साल के ही आयु हुई है। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार निरंतर अपनी कीर्ति बागेश्वर बालाजी के नाम से फैला रहे हैं। अपनी बहन से भैया दोज कराते हुए और तिलक करवाते हुए जी हाँ रक्षाबंधन भी मनाते हैं। साधु संतों को अपने हृदय से लगाते हैं और उनको कोई मतलब देश नहीं है और सबको एक बराबर अपने समान समझते हैं। सभी संसार के लिए हित के लिए बागेश्वर धाम सरकार प्रार्थना करते हुए, हे बागेश्वर बालाजी सभी का कल्याण करो और सभी को स्वस्थ करो। देख सकते हैं चरणों में प्रणाम करते हुए, और अमीर लोग भी प्रणाम करते हैं, गरीब लोग भी हमारे बागेश्वर धाम सरकार के प्रणाम करते हैं। साधु संत महापुरुष बागेश्वर धाम सरकार का सम्मान करते हैं, पटका फैलाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, मगर तो भी हमारे गुरुदेव बस प्रेम करते हैं तो ज़्यादातर गरीबों से। देख सकते हैं गरीब माता से किस प्रकार से बात कर रहे हैं और पास में जा कर रही हैं। देख सकते हैं गरीब जो बीमार है उसके पास जा कर बागेश्वर धाम सरकार ने उसकी समस्या सुनी और ठीक होने का आशीर्वाद दिया। जी हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की अगर नज़र पड़ जाए तो क्या नहीं हो सकता है। हमारे बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य गुरुदेव बच्चों से भी स्नेह बहुत करते हैं। देख सकते हैं गोदी में हर कथा में हर कहीं ना कहीं दिव्य दरबार में बच्चे को ले लेते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम है, और माता बहनों का बहुत सम्मान करते हैं। अगर पर्चे पर उल्टी सीधी हरकत भी निकल जाती है तो छुपा देते हैं और वो बातों को दबा देते हैं, और उनकी लंबी आयु को और अच्छे काम करने के लिए बागेश्वर धाम सरकार प्रेरणा देते हैं। पर्चा बनाने का यही उद्देश्य, आप बागेश्वर बालाजी से जुड़ो और सन्यासी बाबा से जुड़ो, दादा गुरु जी से जुड़ो, और सनातन धर्म एक करने में हमारा साथ दें में और बागेश्वर बालाजी का साथ दें में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अपडेट हम आपको लिए लाते रहेंगे। और बताते चलें ये जो बाकी बिहारी कॉलोनी और बहेरिया सागर में जो कथा हो रही है, इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार धाम पर मिलेंगे। जो भी धाम पर जाना चाहते हैं धाम पर जा सकते हैं, ठीक है। गुरु जी से प्रणाम आशीर्वाद लेते हुए आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।